प्रोमोज देखे होंगे, मेरे ख्याल से आज तक इस किस्म की मराठी फिल्म तो आई नहीं कभी, तो ये पहली ऐसी फिल्म है। और राकेश भी माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि जिस मतलब जैसे सलमान खान अपने बाकी सारी खतरनाक फिल्मों में लगते हैं, वैसे ही राकेश इस फिल्म में लग रहे हैं। और एक्शन उन पर बहुत अच्छा सूट हो रहा है और मैं आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं देखना चाहता हूँ कि बाकी फिल्म कैसी होगी। मेरे ख्याल से फुल पैसा वसूल सीटी मारने वाली फिल्म होगी। और जिस तरीके के प्रोमोज आए हैं आई एम ऑलरेडी इम्प्रेस्ड। आई वांट टू सी हाउ द फिल्म इज़ गोना बी। हम जितने भी खतरों के खिलाड़ी के गैंग के जितने भी लोग हैं, हम दो तीन महीने में एक बार तो मिलते ही हैं किसी न किसी के घर पे। लेकिन राकेश के साथ मेरा बहुत ही पुराना एक रिलेशन है। वो जब मैं बम्बई में नया नया आया था, हम दोनों छोटे बच्चे थे और हमने ढेर सारे म्यूज़िक वीडियोज़ टी सीरीज़ के एक साथ किए थे, तो हमने खूब मज़े किए उस टाइम। तो आई थिंक इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी सिंस देन। मुझे ट्रिक किया ये हम लोग बहुत तैयार हुए We just didn't look good, as good as her. She, you're not कह रही थी कि इतना तैयार हो कि कौन जाता है मूवी देखने। He's like, नहीं मेरी प्रीमियर है आवश्यक, लेकिन फिर भी ये सब। एक सेकंड, no, I didn't say anything. I said you're fine with casual dress up. Riddhi said प्रीमियर है, तो ज़्यादा ड्रेस अप होके जाना पड़ेगा। कुंदन का सेट है और जरी वाली साड़ी, so Mohit said don't wear it for this occasion, so he changed into something casual. हम राकेश को साइड में बिठाएंगे, वो हमको समझाएगा एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं। सो मैंने सरगुन की पूरी फिल्म सबटाइटल के साथ देखी। सरगुन ने मुझे एक एक लाइन समझाई थी, मेरे को समझ में आती है, बाकी इंग्लिश में नहीं आती। पंजाबी इजीियर देन मराठी, इंग्लिश में दे तो तुम्हें क्या चाहिए। अब वो मराठी फिल्में ना करे, वो पंजाबी फिल्में करे। नहीं, इसका पंजाबी में रीमेक बनेगा जो सरगुन करेगा। नहीं नहीं, वी ऑल सीन द ट्रेलर यार। राका इज अ सुपरस्टार, ही रूल टीवी, ही इज वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग गाइस वी ऑल नोन। ही इज अ वेरी पोटेंट एक्टर और अब वो मराठी फिल्म कर रहे हैं। ही इज गोइंग टू बी अ सुपर डुपर हिट एंड वी आर ऑल गोइंग टू प्रे विश एंड बी विद हिम एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टू सपोर्ट हिम। हूट व्हिसल डांस क्लैप, कितना सोना लग रहा है। लेकिन वो फिल्म कितना सोना लग रहा है वो फिल्म में। आई थिंक ट्रेलर देख के तो लग रहा है लाइक फुल पैसा वसूल टाइप फिल्म है ना। हां एकदम, या फुल पैसा सीटीवीटी बजाने वाले हैं। या या शर्मा वाली की तरह। यस, हम पूरे एक्साइटेड आई गेस। मैं राकेश को लेके बहुत एक्साइटेड हूं। मैंने आज तक उसके परफॉर्मेंसेस देखे हैं, बट आई गेस इट्स द फर्स्ट टाइम राकेश ने एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छे, मतलब बहुत हाई एक्शन सीक्वेंसेस आते हैं, वेरी इंटेंस। दैट्स व्हाट हम लोगों को पता है जो प्रोमोज मैंने देखे हुए हैं। लेट्स सी। और दिस इज गोना बी माय फर्स्ट मराठी फिल्म, पहली मराठी फिल्म है जो मैं देखूंगा आज। एक्चुअली मराठी मुझे आती है क्योंकि मैं स्टडी मैंने पुणे में की है और ऑब्वियसली बॉम्बे में रह रहा हूँ, तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर हर। तो ये क्या क्या करने वाली है मेरे पास में बैठ के, हालांकि इट्स विद इंग्लिश सब टाइटल्स हैं। सो हाँ, सो एक्चुअली इज़ मेड इट ईजी फॉर अदर्स ऑल्सो। तो अब एक्चुअली इट्स अ वेरी फ्लुएंट लैंग्वेज, तो समझने में थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है, तो पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न को इग्नोर करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, एक बार देखने के बाद आप लोगों को और फीडबैक बताऊंगा कि कैसा लगे।
पहले तो ये बात कहूँगा कि गुड़ी पड़वा के दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है। बहुत बहुत हेलो सबको अभिनंदन, मेरे जो पूरी टीम है, प्रेम राज है और वृंदावन के जितने कास्ट है, कि आपकी फिल्म बहुत चले, बहुत मेरी शुभकामनाएं। और ऑलरेडी हिट फीलिंग्स आ रही है, तो गुड